और उनको एक ही मिला, दो था नहीं। देर करने लगे तो राजा की आज्ञा आई कि अगर 8 दिनों के अंदर नहीं देते हैं तो आपको परिवार सहित कटवा करके डलवा दिया जाएगा गड्ढे में, क्योंकि आप चुरा के लाए होंगे कहीं से, इसलिए जोड़ा। तब इनकी छटपटाहट बरी और संत रैदास के पास जाकर के अपनी गलती की को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरी यह समस्या है और कैसे समाधान होगा। कहा कि पंडित जी घबराइए मत, नारायण कण कण में निवास करता है, सभी जगह मौजूद होता है, आप उसको स्वीकार तो करिए उसकी सत्ता को, पहले बता देते इतना दिन चिंता में क्यों रहे। और जिसमें चमड़ा लाके उसी में गंगा मैया का ध्यान करके हाथ डाल करके कहा कि मैया अगर मैं तेरा भक्त हूं तो इस पंडित जी के निमित्त एक कंगन और दे दे, इसका जोड़ा लगा दे, इनके परिवार इनकी जान को बच जाए। और उस कठौती से जिसमें चमड़ा खुलता था वो सबसे जोड़ा कंगन निकला और पंडित जी को रैदास ने देख करके कृत कृत किया। आप सुनते होंगे मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कठौती में गंगा संत रैदास के चमड़ा कूटने वाली काठ की कठौती में उसकी कुटिया में उत्पन्न हुई थी। इसलिए मैं एक आग्रह करूंगा, प्रसंग सुनना कहना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा इस पे अपने अंदर चिंतन करना भी जरूरी होता है, हम कहाँ हैं इस प्रसंग में। और निश्चित रूप से अपने को भी थोड़ा सा नारायण के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, अपने व्यवस्था के प्रति, वेद और पुराण उपनिषदों के प्रति उदारतापूर्वक विचार करते हुए अध्ययन करके पालन करने क्या आवश्यकता है की जाए। शेष धन्यवाद। इसके आगे कुणाल सर मानी शेषनाथ सिंह जी निवेदन से निवेदन है कि आशीर्वाद के दो शब्द आप दे दें तो बहुत कृपा होगी। शेषनाथ सिंह महान पुरुष संत रविदास जी के चरण कमलों में नतमस्तक है, नमन है पहले, और अभी रविंद्र कुमार मिश्रा जी से जो हम लोगों ने प्रसंग सुना भी उसे यही पता चला कि आध्यात्मिक शक्ति का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से ही एक जो है अद्भुत कार्य जो है संभव हुआ, जो कि मनुष्य प्रयास करके भी वो नहीं कर सकता है, वो अध्यात्म बल है, वह शक्ति है। यह बहुत ही अधिक त्याग और तपस्या से ही ये शक्ति हासिल होती है, इस प्रसंग से देखने को मिला। यदि हम लोग कोई असाध्य चीज हो जाता है, असंभव नहीं है, यदि अध्यात्म का सहारा लेते हैं तो वह काम हो जाता है जो संभव नहीं है। बस इतना ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और श्री अरविंद कुमार मिश्रा जी को और कुणाल जी को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जो 27 तारीख को होने वाला था संत रविदास जयंती, परंतु स्कूल में हम लोग नहीं, 27 को तो खुला ही था, कर नहीं पाए, बाकी आज भी हम लोग स्मरण किए तो कम नहीं है, उसके लिए उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।